अब अगर मैं आपसे पूछूं कि तीन कमियां क्या रह गई, मतलब इन एक 5 साल बीत गया, दूसरा 5 साल चल रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि तीन कमियां क्या रह गई तो क्या बोलेंगे मोदी सरकार की? मोदी सरकार की तीन कमियां एक्चुअली बताऊंगा तो एक किसानों की, जो जैसे हमारे भाई साहब ने बताया अभी, तो 2000 रुपये को 6 महीने के लिए मिल रहा था, तो 2000 रुपये तो मान लीजिए एक महीने पर नहीं चल सकता है, एक महीने भी चलाना मुश्किल होता है महंगाई के ज़माने में, ठीक है। ये कमियाँ रही है किसानों की कमियाँ हो गई। एजुकेशन मामले, एजुकेशन कुछ सुधरा है, लेकिन जो भाई साहब भी अभी बता रहे थे कि जो हमारे इसी बढ़ रहे हैं, क्या बोलते हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को, ताकि बेरोजगारी ना, क्योंकि अभी देखिए रेलवे का भर्ती निकली थी, रेलवे की भर्ती निकली तो उसमें सीट को लिमिटेड बनाना चाहिए। जैसे अभी 2 करोड़ फॉर्म गई थी, 50,000 सीटें थी, इसमें सीट को लिमिटेड बनाना चाहिए कि इतनी फॉर्म ही उसमें जाएंगी, तो इस वजह से थोड़ा उसमें रोजगार कंपटीशन कम होगा, शायद रोजगार मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये कमियाँ है। और दूसरी कमियाँ बताऊँगा जो यहाँ, अब आप रेलवे की बात कर रहे हैं तो ये बताइए कि रेलवे का जो निजीकरण हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? निजीकरण वो तो ठीक लग रहा है, जैसे रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो थोड़ा सुरक्षित है, क्योंकि अभी रेलवे में लूटपाट बहुत ज़्यादा होती थी, सफाई नहीं होती थी, तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गई हैं, सफाई रह रही है। लेकिन तेजस 1700 पड़ रही है और प्लेन का भी 1700 ही पड़ता है नॉर्मली, हाँ, तो अगर ट्रेन से अगर समय बच जाएगा, लेकिन अगर तेजस की बात करें तो मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाएगी। ये जो मिडिल क्लास नहीं अफोर्ड कर पाएगी, सिर्फ जो हायर क्लास के लोग हैं उनके लिए अफोर्ड है, लेकिन मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकती, उनको क्या, उनको यहाँ किराया घटाना चाहिए या फिर जो सुपर फास्ट ट्रेन है उनकी स्पीड में परिवर्तन लाना चाहिए। भाई का कहना यह है कि ट्रेनें का जो निजीकरण हो रहा है वो सही है, क्योंकि एक तरह से इससे विकास होगा। लेकिन हम जब देखते हैं, हम जब किसी प्राइवेट ट्रेन को छोड़िए सरकारी ट्रेन की बात करते हैं, हम देखते हैं कि एक ट्रेन ऐसी जो मतलब प्लेन की तरह उसकी सारी व्यवस्थाएं हो रही है, और दूसरी तरफ एक आम आदमी जिसको भुनाने की कोशिश सारी पार्टियाँ करती हैं और कहती हैं कि आम आदमी की पार्टी है या आम इंसान के जेब में जाने के लिए हम काम कर रहे हैं या आम इंसान का भला करना चाहते हैं। तो ये जो ट्रेन में जानवरों की तरह ढूस के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उस पे क्या कहेंगे? इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इसमें कहेंगे जो ट्रेनें हैं बहुत कम हैं, भारत में बहुत ट्रेन को बढ़ाना चाहिए, पैसेंजर बहुत ज़्यादा हैं, तो ट्रेनों की उनको मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करनी चाहिए ताकि ट्रेन ज़्यादा नहीं। सब तो अच्छा नहीं है, बहुत से अभी भारत में कमियाँ हैं जिसको सुधारा जा सकता है, सुधारना चाहिए। हाँ, आपसे पूछा जाए कि मोदी जी की 5 साल तो ख़त्म हो गया, दूसरा 5 साल चल रहा है, तो क्या कहेंगे कि कौन सा ऐसा 3 काम उनसे छूट गया जो उन्हें करना चाहिए था? ये एक तो पहले नंबर भ्रष्टाचार जो है, अभी भ्रष्टाचार मुक्त भारत का अभियान चल रहा है हाँ। और वो भ्रष्टाचार और जो है बढ़ रहा है, कहना तो नहीं चाहिए, कहना नहीं, कहीं भी आप इसमें जाइए, जहाँ जो 100 लगते थे वहाँ 200 लग रहे हैं, 300 लग रहे हैं, सीधा प्रहार कर रहे हैं चाचा हमारे, और बता रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है, कमी नहीं, कमी तो करना चाहिए था, अच्छा, लेकिन कमी नहीं। एक भ्रष्टाचार हो गया, 2 और बताइए। हाँ, 2 और है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी। हाँ, ये जितनी फैक्ट्रियाँ जो है बंद हो गई, GST जो है लाए, उसको ठीक है GST लाए, नोटबंदी जो हुआ उसको जो है सोच समझ के करना। काला धन आ रहा था नोटबंदी से, क्या कहेंगे? काला धन आया कहाँ, बहुत से तो चले गए, नरेंद्र मेहुल चौकसी और कौन नीरव मोदी, बहुत से लोग चले गए यहाँ से, तो लेके चले गए यहाँ से, बैंकों से लेके गए हैं। काला धन विदेशों से आना चाहिए था देश में। और तीसरा बताइए। चलिए, तीसरा ये बेरोजगारी जो बढ़ रही है। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँचे इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।